सोलन में चिट्टे के काले कारोबार पर पुलिस गिद्ध की नजर रखे हुए है। जैसे ही पुलिस को तस्करों से जुड़ी कोई भी सूचना मिलती है, वे जाल बिछाकर उसे तुरंत सलाखों के पीछे पहुंचाने में देर नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस को भारी कामयाबी हासिल हुई है। सोलन पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप को बरामद किया है, जिसमें उन्होंने 3 युवक राहुल, आशुतोष और संदीप को गिरफ्तार भी किया है। सोलन में चिट्टे के काले कारोबार पर पुलिस गिद्ध की नजर रखे हुए है। जैसे ही पुलिस को तस्करों से जुड़ी कोई भी खबर हाथ लगती है, वे जाल बिछाकर उसे तुरंत सलाखों के पीछे पहुंचाने में देर नहीं लगाती है। आज भी पुलिस को भारी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें सोलन पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी खेप चिट्टे की बरामद की है, जिसमें उन्होंने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को जैसे ही गुप्त सूचना मिली, वे मौके पर पहुंची तो उनकी टीम ने स्कॉर्पियो सवार 3 युवकों की तलाशी ली, जिनके पास 43.37 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 3 युवकों में से 2 युवक पहले भी चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं। अब 3 युवकों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और ये जानने का प्रयास भी किया जा रहा है कि आखिर वे इतनी ज्यादा मात्रा का चिट्टा कहाँ से खरीद कर लेकर आए थे। आज लगभग 11:30 बजे हमारी एक पेट्रोलिंग टीम जब गश्त पे थी, तो ब्रूरी के पास वहाँ पे जो समर हॉल गेट है, वहाँ पे एक गुप्त सूचना मिली कि वहाँ पे कोई गाड़ी लगी है और उसमें कुछ व्यक्ति जो हैं वो चिट्टा बेचने का काम कर रहे हैं। इस पे टीम ने जब उस स्पॉट पे पहुँचे तो वहाँ पे एक बोलेरो गाड़ी लगी थी, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे, जिनमें से एक का नाम राहुल उर्फ खौला है, जो यही सोलन का रहने वाला है और 33 ईयर्स ओल्ड है। दूसरा मिस्टर आशुतोष अत्री है, जो कि यहाँ रिबॉन का रहने वाला है, और तीसरा जो है वो संदीप कुमार है, ये बिलासपुर का रहने वाला है। इन तीनों के पास से 43.37 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इस पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। छत्री जो है, इसको 4-5 महीने पहले भी अरेस्ट किया गया था चिट्टे के साथ, और उस केस में जो है वो ट्रायल चल रहा है और इसको हम सारे एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।